केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, केंद्रीय मंत्री और इस क्षेत्र के प्रभारी माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, बरेली के लोकप्रिय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय संतोष गंगवार जी, हम सब के नेता पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की विरासत को पूरी तेजस्विता के साथ आगे बढ़ा रहे लोकप्रिय सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, ऊर्जा मंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री सिद्धांत शर्मा जी, प्रदेश सरकार में ही मेरे सहयोगी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री रजनीकांत माहेश्वरी जी, प्रदेश महामंत्री श्री अश्वनी त्यागी जी, सह प्रभारी संजीव चौरसिया जी, प्रदेश संगठन के सह महामंत्री श्री करमवीर जी, विधान परिषद के सदस्य श्री मानवेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह जी, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष चौधरी तेजवीर सिंह जी, व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री रविकांत गर्ग जी, महापौर मुकेश आर्य बंधु जी, विधायक श्री कारिंदा सिंह जी, विधायक पूरण प्रकाश जी, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा जी, जिला कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष श्री मेघ श्याम सिंह जी, जिलाध्यक्ष मथुरा श्रीमती मधु शर्मा जी, जिलाध्यक्ष मथुरा महानगर श्री विनोद अग्रवाल जी, प्रदेश मंत्री श्रीमती नहीं चलेगा मोदी प्लस योगी, मतलब लव जिहाद नहीं चलेगा, लव तो होगा लेकिन जिहाद का नाम और निशान नहीं होगा। मोदी प्लस योगी मतलब 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोदी प्लस योगी मतलब गांव में शानदार सड़कें, हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मोदी प्लस योगी मतलब सिंचाई की योजनाएं, मोदी प्लस योगी मतलब बेटियों को निःशुल्क शिक्षा, मोदी प्लस योगी मतलब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 40 लाख माताएं लाभान्वित, मोदी प्लस योगी मतलब 4.5 लाख युवाओं को नौकरी जिसमें 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, धन्नू पन्नू लल्ला कल्ला मन्नू के बेटा बेटी चुन के आ गए सरकारी सेवाओं में, मोदी प्लस योगी मतलब 3.5 लाख युवाओं को संविदा पर नौकरी दी गई, और मोदी प्लस योगी मतलब अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण। जरा बताना मुझे ईमानदारी से भैया वालों, अगर मोदी और योगी नहीं होते तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन जाता है? अरे जोर से बताओ, बन जाता क्या? कश्मीर से धारा 370 हट जाती क्या? 3 तलाक खत्म हो पाता क्या? और बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बन दिवस तो है ही, लेकिन आज के दिन 1927 में देश की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान देने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी, निरंकुश ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ने के क्रांतिकारियों ने उस कालखंड में ज्वलंत जगाई थी। आज पूरा देश अपने महान क्रांतिकारियों का स्मरण कर रहा है, उन्हें बार बार स्मरण कर रहा है, और इसलिए आज जन विश्वास यात्रा केंद्र और प्रदेश सरकार की विकास की यात्रा को जन विश्वास में बदलने के लिए, जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए
एक बार फिर प्रदेश के 6 स्थानों से प्रारंभ हो गई है और मैं सौभाग्य मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की इस पावन धरती पर मुझे इस यात्रा का शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, मैं यहां पर मेरे लिए ये धरती इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष के प्रारंभ में यहां पर हमारे दोनों मंत्री, यहां के विधायक, दोनों विधायक और यहां की माननीय सांसद, वृद्धदीर्घ विकास परिषद, यहां के प्रशासन, यहां के पूज्य संतों के आशीर्वाद से पहली बार भव्य वैष्णव कुंभ यमुना मैया के तट पर करने का सौभाग्य यहां प्राप्त हुआ था और उस आयोजन में मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। तब भी मैं यहां आया था और अभी पिछले दिनों भी मैं आया था। भैया बहनों, ये वही धरती है, याद करिए, ब्रज की धरती जहां पर रजवज कण कण भगवान कृष्ण की लीला से भरी पड़ी है, राधे रानी की लीला से भरी पड़ी है, हमारे लिए तीर्थ है, पवित्र है भूमि। लेकिन पिछली सरकारों में क्या होता था, ये यही धरती है, कोसी कला का गंगा यहां का कोई व्यक्ति भूला नहीं होगा। कोसी कला में क्या होता था, जवाहर बाग में क्या होता था, पहले जवाहर बाग की घटना होती थी, कोसी कला का दंगा होता था। आपने देखा होगा भाइयों बहनों, आप याद करिए, पिछले 4.5 वर्ष के अंदर आज हमारी सरकार को 4.5 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं और 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ, कोई पलायन नहीं हुआ। जो व्यापारी, जो प्रताड़ित हिंदू पिछली सरकारों में 14 वर्षों की प्रताड़ना के दौरान पेशेवर माफिया और अपराधियों के द्वारा यहां से भगाए गए थे, वह व्यापारी, वह उद्यमी और वह हिंदू वापस अपने घरों को आया है और बड़ी शान के साथ अपने घरों में रह रहा है। आज कोई व्यापारी और कोई हिंदू प्रदेश से पलायन नहीं करता है, आज पलायन होता है प्रदेश से पेशेवर अपराधी और माफियाओं का, आज पलायन होता है उन लोगों का। क्यों पीड़ा है सपा, बसपा और कांग्रेस को? कल आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का शिलान्यास शाहजहांपुर में किया, ब्रज क्षेत्र में ही पड़ता है क्षेत्र, और शाहजहांपुर में बड़ा आयोजन, लाखों की संख्या में लोग आए थे प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। और प्रधानमंत्री जी ने उस समय इस बारे में कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास की रीढ़ बनेगी। लेकिन जिन लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, उन लोगों ने प्रधानमंत्री जी के ट्वीट पर गलत, प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पर गलत ट्वीट किए। जिन लोगों को प्रदेश का विकास अच्छा नहीं लगता था, वे लोग अनर्गल प्रणाम करते हैं। भैया बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत की 135 करोड़ जनता ही परिवार है, लेकिन कांग्रेस, सपा, बसपा के लिए उनका अपना व्यक्तिगत परिवार ही प्रदेश या देश है। उस व्यक्तिगत परिवार से ऊपर सोच भी नहीं सकते हैं। उन लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं, जिन लोगों के पास संकुचित दृष्टि है, वे विकास के इस मॉडल को नहीं स्वीकार कर सकते, विकास के इस मॉडल को कैसे सराहना कर सकते हैं। और यही तो कारण है कि जब डबल इंजन की सरकार विकास कराती है, उन लोगों को तब भी अच्छा नहीं लगा था जब मथुरा वृंदावन नगर निगम घोषित हुआ था, उनको तब भी अच्छा नहीं लगा था जब ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन हुआ था, उनको तब भी अच्छा नहीं लगा था जब ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सभी तीर्थों के साथ साथ मथुरा में
मदिरा और मांस की दुकानों को बंद किया गया था, उनको तब भी अच्छा नहीं लगा था, तब भी उनको अच्छा नहीं लगा था, और उनको तब भी अच्छा नहीं लग रहा था जब मुजफ्फरनगर के दंगाइयों के खिलाफ सरकार कार्य कर रही थी। उनको तब भी अच्छा नहीं लगता है जब हम किसी गरीब को फ्री राशन योजना का लाभ देते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश के 135 करोड़ जनता को फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन का लाभ देते हैं, उनको तब भी अच्छा नहीं लगता है। उनको तब भी अच्छा नहीं लगता है जब प्रदेश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण और देश के अंदर देश की सीमाएं सुरक्षित होती है तो विपक्ष को वह अच्छा नहीं लगता है। जब दंगाइयों पर सख्ती की जाती है तो कांग्रेस, सपा और बसपा को अच्छा नहीं लगता है। उनको अच्छा क्या लगता है? दंगाइयों को गले लगाना, आतंकवादियों को छोड़ना, गौमाता की हत्या और गौमाता के हत्यारों को तस्करी करने के लिए प्रेरित करना, गरीब के लिए आने वाली अन्य योजना पर डकैती डालना, विकास के कार्यों में लूटपाट करना, आस्था के साथ खिलवाड़ करना। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, आपको आपने आशीर्वाद दिया, ऐसा कौन कार्य है देश के अंदर जो भाजपा ने कहा हो और वादा किया हो? कौन ऐसा कार्य है? मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास, एक गरीब को मकान मिल जाना, यही हमारे लिए राम राज्य है। एक गरीब को विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन मिल जाना, ये हमारे लिए राम राज्य है। एक गरीब को फ्री में शौचालय मिल जाना, यही हमारे लिए राम राज्य है। एक गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं था लेकिन एक गरीब का हक था, मोदी जी ने वो दिया, भारतीय जनता पार्टी ने वो दिया। एक गरीब को सुरक्षा का बेहतर वातावरण मिलना चाहिए, एक बेटी को सुरक्षा का बेहतर वातावरण मिलना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिया, प्रदेश को दिया, देश को दिया। और यही तो विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है कि आखिर ये सब क्या है? हमने कहा था देश के अंदर आतंकवाद को मिटाएंगे, कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दी गई ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जन्मभूमि यही क्षेत्र है। भाइयों बहनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब भारतीय जनसंघ की स्थापना के साथ अपना कार्य संगठन मंत्री के रूप में कार्य प्रारंभ किया था,